आई एम राहुल, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट द रिवीजन सीरीज विच वी हैव स्टार्टेड फॉर सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन एंड हियर इज वन मोर लेक्चर ऑन कॉस्टिंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द मार्जिनल कॉस्टिंग। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में 8 और 7 मार्क्स के बेसिस पे इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड दैट विल बी मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो अगला मेरा वीडियो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर होगा। मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस मार्जिनल और स्टैंडर्ड के फॉर्मूलाज को हम किस तरीके से याद रखें उसके ऊपर डाला है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो वीडियोज़ को भी पहले चेक करें ताकि ये वीडियो से आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाए और ये जो आज का रिविजन सीरीज है वो आपका जो भी फॉर्मूलाज है वो सारे आपके क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है एंड दिस इज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सो देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग में एक स्पेसिफिक सारे फॉर्मूलाज जो है उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि ये जो अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको आंसर मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आपको आंसर मिलता है प्रॉफिट। जितने भी फार्मूलाज मार्जिनल कॉस्टिंग में है सारे के सारे फार्मूलाज आपको यही बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करने हैं। अगर हमें कभी प्रॉफिट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, तो हम नीचे से प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अगर हम प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करेंगे तो हमें सेल्स मिल जाएगा। तो ऐसे भी आपको याद रखना है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज कभी भी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जिसमें आपको प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दिया रहता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अरे हाउ टू कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज वो मैक्सिमम क्वेश्चन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। दैट इज द मेन रीजन वी हैव टू ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। ओके, तो अब हम वन बाय वन फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। नंबर 1 है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम PVR के नाम से जानते हैं। काफ़ी सिंपल फार्मूला है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो PVR हमेशा परसेंटेज में आएगा और PVR का आंसर 20%, 25% और किसी क्वेश्चन में रेयरली 33.33 ऐसे आंसर्स आए हैं। आज तक जितने भी क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में पूछे गए उसमें PVR यही परसेंटेज में आया है, 20%, 25%, 40%, 30% यही रेंज में ऑन एन एवरेज PVR कैलकुलेट करते वक्त हमें आता है, सो दैट हम अपना आंसर्स भी अकॉर्डिंगली चेक कर पाएंगे। अगर आपको 2 साल का डेटा दिया है, 2 पीरियड्स दिए हैं, 2 ईयर्स का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट 2 साल का रहेगा, दोनों साल के प्रॉफिट का डिफरेंस लेना है, सेल्स 2 साल का रहेगा, दोनों साल के सेल्स का भी डिफरेंस लेना है, और अकॉर्डिंगली आपस में डिवाइड करके इनटू 100 करोगे तो आपको परसेंटेज आ जाएगा। सो यहाँ पे आपने लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले भी सिखाया, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे ढूंढने का है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। देन द नेक्स्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट, विच इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज BEP। तो BEP हम 2 तरीके से ढूंढते हैं, BEP रुपीज और BEP यूनिट्स। तो काफ़ी सिंपल फार्मूला है, BEP रुपीज, रुपीज आएगा तो आपको डिनोमिनेटर में PVR लेना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PVR, ये याद रखना। व्हेनेवर BEP रुपीज में पूछा गया तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय PVR करेंगे, जहाँ पे भी यूनिट्स पूछा गया वहाँ पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो BEP रुपीज FC डिवाइड बाय PVR, BEP यूनिट्स FC डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे भी यूनिट्स पूछा गया है वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, ये आपको याद रखना है, सो दैट फार्मूला बिकम्स वेरी इजी देन। सो आपका फर्स्ट बेस है PVR, अगर PVR रॉन्ग होगा तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, PVR राइट है तो BEP राइट आएगा, BEP रुपीस, BEP यूनिट्स। देन द नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हम MOS के नाम से जानते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप 2 तरीके से ढूंढ सकते हो, एक तो आप ढूंढ सकते हो प्रॉफिट डिवाइड बाय PVR, और एक तो आप ढूंढ सकते हैं सेकेंड फार्मूला से एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। दोनों फार्मूला से आंसर सेम आता है, तो अगर आप चेक करें तो बोथ द फार्मूलाज आर सिमिलर, सो यहाँ से कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगा। MOS इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय PVR, MOS इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अगर आपको MOS भी यूनिट्स में पूछा गया तो आपको क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना है। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड सेल्स, आपको सेल्स ढूंढने हैं अगर प्रॉफिट दिया है,
तो आपको क्या करना है, सेल्स ढूंढना है। अगर आपको प्रॉफिट दिया होगा तो क्या करना है, फॉर्मूला बनेगा रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। यहाँ पे डिवाइडेड बाय, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। सो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड करना है किससे, पीवीआर से। सो पीवीआर से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको अमाउंट में मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से आप अगर डिवाइड करोगे तो आपको यूनिट्स मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि सेल्स इन यूनिट्स, तो यूनिट्स पूछा तो डिवाइडेड बाय पीवीआर नहीं लेना है, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना है। तो दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट सेल्स व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। देन द नेक्स्ट फॉर्मूला इज प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज गिवन। सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बिकम सेल्स इंटू पी वी आर माइनस फिक्स कॉस्ट। आपको सेल्स लेना है, ये जो ऊपर सेल्स दिया रहेगा यही सेल्स यहाँ लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं, क्वेश्चन का सेल्स ले देते, रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज गिवन, तो ये जो सेल्स ऊपर दिया होगा वही सेल्स लेना है, पी वी आर जो आपने कैलकुलेट किया है वो लेना है, और उसमें से आपको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट माइनस करना है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको फिक्स कॉस्ट नहीं दिया होता है, तो फिक्स कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे हम, सेल्स इंटू पी वी आर माइनस प्रॉफिट। देखो ऊपर का ही फॉर्मूला है, सेल्स इंटू पी वी आर माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आता है, सेल्स इंटू पी वी आर माइनस प्रॉफिट करेंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। सो दीज आर द बेसिक फार्मूलाज, यही फार्मूलाज के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करें, अगर कुछ आपको फार्मूलाज में डाउट्स होंगे, किसी क्वेश्चंस में डाउट होंगे, तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसे लगा है, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको भी ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक फार्मूलाज है और जो बेस है मार्जिनल कॉस्टिंग का, वो मैंने ट्राई किया है क्लियर करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करो। सेमिस्टर सिक्स तक हम काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स को रिवीजन करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होंगे। दैट्स इट, टिल देन बाय बाय, एज यूजुअल वर्क हार्डर बी स्मार्टर।